26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। कोसी नदी और गंडक नदी उफान पर है और इसी बीच खबर आ रही है कि कई तटबंध भी इस बाढ़ के बहाव से टूट चुके हैं। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है दरभंगा के किरतपुर प्रखंड से, जहां पर कोसी नदी पर बना एक तटबंध टूट चुका है। हम आपको ये भयावह तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कोसी बराज से पानी छोड़ने के बाद कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण खंड के भूभौल गांव के पास बीती रात करीब 1 बजे तटबंध टूटने से प्रखंड और धनश्यामपुर प्रखंड के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, जिससे लाखों की आबादी प्रभावित होने की बात सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन ने देर रात तक तटबंध को बचाने की कोशिश की, लेकिन देर रात कोसी नदी के धारा के सामने तटबंध अपना दम तोड़ दिया। दरअसल किरतपुर प्रखंड के जमालपुर थाना क्षेत्र के नरकटिया गांव और भूभोल गांव के पास रविवार की दोपहर से ही तटबंध पर बने सड़क के ऊपर से पानी का बहाव हो रहा था और सैंड बैग डालकर बचाने का प्रयास किया जा रहा था। साथ ही लोगों को सतर्क और सावधान रहने की अपील की जा रही थी। गंगा के जिलाधिकारी खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में लगे रहे, लेकिन तटबंध को बचाने में सफल नहीं हो पाए। कोसी नदी के तांडव से फिलहाल किरतपुर प्रखंड और घनश्यामपुर प्रखंड के लोगों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। हम आपको भयावह तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां बांध टूटने के बाद लोग किस तरीके से लोगों में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग कितने डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कहीं जो ग्रामीण है वो अपने मवेशी और परिवार के साथ ऊंचे स्थानों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। साथ ही लोगों से अपील किया है कि पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हर संभव मदद की जाएगी। तो देखिए किरतपुर प्रखंड में कोसी नदी पर बना बांध टूट जाने के बाद 2 प्रखंडों के जो लोग हैं वो बाढ़ से परेशान नजर आ रहे हैं। आप देख तो देखिए बिहार में कोसी नदी और गंडक नदी के बराज से पानी छोड़ने के बाद पानी का बहाव इस कदर है कि वो कई तटबंधों को चीर कर गांव में घुसी हुई नजर आ रही है। और एक और खबर सामने दरभंगा से नजर आई है, जहां पर एक और तटबंध जो कोसी नदी पर बना हुआ था वो टूट चुका है और इससे अब 2 प्रखंड प्रभावित नजर आ रहे हैं। हमने आपको तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।